हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। आपको बता दें, इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही साथ माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और भगवान गणेश की पूजा होती है। पूजा करने के बाद लोग इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, साथ ही साथ पटाखे भी फोड़ते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि अब की बार जिस तरीके से दिल्ली में हालात ख़राब हैं, जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आप थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि आपकी सावधानी बरतने से दिल्ली वालों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है या दिल्ली वालों की सेहत में सुधार हो सकता है। आपको बता दें, इस दिवाली पर आप बहुत कम पटाखों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पटाखे का इस्तेमाल ना करें और उन पटाखों का इस्तेमाल ना करें जिनसे ज़्यादा प्रदूषण बनता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अक्सर देखने को मिलता है कि लोग बहुत देर तक आतिशबाजी करते हैं और इस आतिशबाजी से कहीं ना कहीं धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको बता दें, दिल्ली में जिस तरीके से वायु प्रदूषण खराब हो रहा है, जिस तरीके से दिल्ली काले धुएं के गुबार में छाई हुई है और जिस तरह से अगर पटाखों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पटाखे ज़्यादा फोड़ते हैं, तो उसका बुरा असर दिल्ली पर ही पड़ेगा और साथ ही साथ आप पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में इस त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाइए, और त्यौहार मनाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन त्यौहार को सेलिब्रेट इस तरीके से करें, पटाखे उतने ही फोड़ें और सीमित मात्रा में फोड़ें ताकि वायु प्रदूषण ना हो, जिससे आपको और दिल्ली वासियों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से मनाइए और इस दिवाली आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। SPN 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।